मेरे नौजवान वीर ने वरिंदरपाल सिंह जी गिल जिन्होंने तुम के टी वी राही जां सोशल मीडिया के राही हमेशा ही वख वख मुद्दों के उत्ते वख वख प्रोग्रामों के उपर वेखते रहिंदे हो और अज ये जिथे मीडिया के नाल नाल भी उत्थे नौजवानों की अगवाई करके इन्होंने मोटरसाइकिल भी काफ़ी वड्डी गिनती च इन्होंने रैली दे विच लाउणे ने। गिल जी अज आपां क्यों लोड़ पै गई इस वेले कम्मां कारां तों आण के आपां घर बच्चों बहने अज ठंड भी जी शुरू हो गई है ठंड का मौसम हो गया तो अज इंग्लैंड दीआं गलियां ते रात दे 8 बजे सानूं आउण दी क्यों लोड़ पै गई? लोड़ इदां पै गई जी कि बेशक ना असीं इत्थे बहने आ इत्थे रहिंदे आ पर जदों रात नूं सुपना आउंदा असीं तुरे पिंड ही फिरीदा, कदी नहीं सुपना आया कि समैत हाई स्ट्रीट ते घूम रहे असीं, कदी नहीं सुपना आया कि सोहो दे चले आ मेला देख रहे हैं। जदों कोई सुपना आउंदा पिंड की सुत्ता उठ के बाद च याद आता यार सुपना रात ही आया सी आप तुरे फिरते जी। रूह आ ना रूह व्यक्ति की वो उहदी जम्मण भोई आ जिहड़ी जिहड़ी मिट्टी आ उहदी उहदे विच हमेशा रहिंदी आ। असीं पंजाबी आ पंजाबियों का मोह खास करके मिट्टी ना बहुत है। इस वेले जिहड़े पहलां तां आर्डीनेंस आए फिर बिल बन गए तो हुण कानून बन गए, वो कानूनां ने जो साडे किसानां दा हालत करनी आ वो सोच के तुसीं 8 बजे गल करदे आ, मैं कहना रोज़ 9 बजे भी आके इत्थे बह के अलग अलग 2 महीने पहला तो बिल बह सकते हैं क्योंकि असी ना जे मैं पहला कहिंदा हटिया साडे को ना मेरे बापू बाहरों आए सी तो बापू ने काम कर लिया अपने प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी पैसे लग गए पैसे स्टक हो गए मेरा बाहरला काम बन गया। बाहर पता मैं किदां आया सी अपना खेत बेचिया सी असी ठीक है जी वो जमीन मुड़ के असी बेशक ले ली पर एक बार वो जमीन बेच असी मतलब इन्ना बेच के बाहर आ गया। मिट्टी का कर्ज है अज मैं इतने तुहाडे सामने खड़ा वो मिट्टी का कर्ज असी सारी जिंदगी नहीं ला सकते। मैं भावुक हो जाना मैं बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मैं कई बार पुछते खेती की मैं खेती नहीं की पर जो कोई किसान उत्थे मरदा ना पूंजे च कितें खबर लगी इदा लगता इदा अपना कोई परिवार का मरिया होंदा पता नहीं क्यों। गिल जी जिवें तुसीं दस्सिया खेत बेच के आए हैं पर जिहड़ा बिल पास होया वा जदों लीज ते जमीनां दित्तियां जाणगियां ते ओह कारपोरेट घराणे इहदे उत्ते कहिंदे ने भी लोन भी लै सकदे ने, कल नूं ओह लोन लै के मुड़ के भज जाण जमीनां लाउण वालियां कंपनियां आण के सांभ लैण ते साडे कोल रहू कि असीं ते खेत बेच के किसे बन्ने जाण जोगे वी नहीं रहांगे। इदां जी इह बिल आ ना जिहड़े मैं पढ़ रहा इह बिल जिथे इह दस रहे आ ना कि इह जिहड़ी जदों तुसीं दस्सिया कि चल गया इह वी गल आ कि पूरा एक सिस्टम बनाया गया कि एक कानून के अधीन इन्ह दे जमीन भी ले ली जाए किसान नूं मजदूर भी बनाता जाए तो किसान किते अदालत च भी ना जा सके। उहदा 8वां पैरा पढ़ के देखो मैं जिहड़े उत्थे अपना पंजाबी तर्जमानी कीती आ उस च लिखिया है कि एक तुसीं SDM को जाना SDM ने अगे कमेटी बनाउणी उस च 4 मैंबर होने आ, 4 मैंबर किहड़े होणगे उह SDM चूज करूगा वो तो बाद भी तो फैसला नहीं होंगे 1 महीने तक DC को जा सकते हैं DC तो अगे कितने जाना कुछ नहीं गा DC ते SDM गरीब 2 किले वाले किसान की सुन गए तो सरकार की नहीं सरकार जिहदी सुनदी कारपोरेट की उहदी सुनूंगा सरकार तो जिहड़ी सुनदी है ना खड़ौणियां दा क्या असी उत्थे क्या ऐलान किया केंद्र ने कि खड़ौने असी लावां बनावांगे तो रिलायंस ने खड़ौणियां दे उत्थे पार्ट बनाने शुरू कर दिए हले ऐलान होना सी पहला। इतफाक देखो बिल बन के कानून बन के आना सी तो यूनिलीवर वाले आ महिंद्रा वाले आ बड़िया बड़िया होर टाटा इन्हां ने खेतीबाड़ी काम के अपनी पैंठ बनानी शुरू कर दी आ। ये इदा ना सोचो कि ये आने नहीं इन्होंने पंजाब दे विच साडू पता नहीं कि कितने कितने अपना सैटलमेंट की आ बिल आ ना जिहड़े बिलों तो हुण जिद्दां हुण तां चलो एक्ट बन गया कानून बन गया इहदे नाल साडा मजदूर बनना बिल्कुल किसानां दा तय है जी। ते गिल साहब मैं चाहुंदा कैमरे वाले तुसीं इधर नूं आ जाओ आपां नाल ही तुरे जाणा रैली च शामिल होना। गिल साहब जी जिहड़ा इह बिल आ इह केवल किसानां नूं ही प्रभावित करेगा जां मजदूर तबका ते जां निक्के निक्के जिहड़े सहायक धंधे ने उह वी खत्म होण दे देणा? सरदार जी देखो जिहड़ा किसान आ ना
किसान की फसल माड़ी हो जाए तो ना स्कूटर मोटरसाइकिल बिकता ना कोई उत्थे होर कोई काम चलता सारा कुछ ही बह जाता एक कल्ला किसाना ते नहीं प्रभाव पैना कारपोरेट ने जमीन लीज से लैके ना जो फसल चकनी आ उन्होंने पैकेटा च बंद कर कर जो बेचनी आ गरीब मजदूर भी उत्थे उन्ना प्रभाव पैना शाहूकार भी उन्ना प्रभाव पैना तो आम व्यक्ति जिहड़ा भी आनू उन्ना प्रभाव पैना कल्ले बिल उन्हें नहीं एक्ट ये कल कल बंदे जिहड़ा पंजाब जिहड़ा मैं कल मोटी जी उदाहरण दे दिना जिहड़ा बंदा रोटी खाता उत्ते प्रभाव पैना हुण देख लो जिहड़ा नहीं रोटी खाता नहीं उत्ते नहीं पैना। धन्यवाद जी। ये सन वरिंदरपाल सिंह जी गिल जिन्होंने बहुत वधिया अपने विचार जिहड़े दित्ते ने।